हम लोग अचानक से एक प्लान बना लिया दार्जिलिंग का और अभी हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं, अभी पाराक्का में है। तो ये बीच कभी मतलब जैम नहीं होगा ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो गूगल मैप पे भी दिखा रहा है, ये देखो जैम नहीं है, लेकिन सामने देखो एक बार कितना जैम है ये बीच। और ये नज़ारा यहाँ का एकदम एकदम खतरनाक, जब ट्रेन से जाते हैं हम लोग तो क्या ही नहीं देखते, मतलब बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। और अभी तो कार से आए हैं तो इसका व्यू और भी अच्छा है अभी। और अभी चलो बाई रोड हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम भी कम मिलेगा ब्लॉग करने का, तो अभी थोड़ा कंसेंट्रेट करते हैं गाड़ी में। तो गाइस हम लोग सेवक रोड पे आ गए, तो अभी ना थोड़ी देर पहले बहुत जैम था क्योंकि यहाँ पर कुछ आर्मी का कुछ ट्रक वगैरह आ गया था। तो ये रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, यहाँ का ना नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर बाइक लेके आओ तो इतना लीन का मज़ा मिलेगा तुम लोगों को, मतलब सोच नहीं सकोगे। 8900 लेके मैं जब आया था, लिटरली मैंने लीन किया, जोर से चलाया, धीरे भी चलाया, सब कुछ किया, बहुत मज़ा आया था। रोड दिखाओ, ये ऐसा ग्रीनरी वाला रोड, चारों तरफ आर्मी क्या लगता है। गाइज़ ये हम लोग का थार खड़ा है यहाँ पर, ये अभिनय रेस्टोरेंट है। जब भी मैं पहाड़ में आ रहा हूँ, अगर खुद से भी आ रहा हूँ और किसी के साथ भी आ रहा हूँ, तो ना यहाँ पर ही खाता हूँ क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखो ये बैल्कनी का व्यू, यहाँ पर आप सिगरेट पी सकते हो, यहाँ पर बैठ सकते हो, यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा जगह है ये, आप लोग चाहे तो आ सकते हो। और इसका पीछे का व्यू तो और भी अच्छा है, ये अंदर से दिखाई देगा आप लोगों को क्या जगह है भाई। एकदम प्रॉपर प्लानिंग करके ये जगह बनाया है। तो गाइस अभी यहाँ पर खाएंगे, थोड़ा खाने के बाद निकल जाएंगे यहाँ से। तो रास्ता बहुत है अभी बाकी, और हम लोग को अभी भी 2-2.5 घंटा यहाँ पर लगेगा, तो उसके बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये अभी सीन चल रहा है यहाँ पर खाना, ये खाने का सीन चल रहा है। ये भी एक भुक्कड़ है, ये खाता नहीं है बट भुक्कड़ ही है। ये यहाँ का बाहर का सीन देखो, जहाँ पर बैठ के हम लोग खाएंगे, ये बाहर का सीन है। और ये है रेस्टोरेंट, ये ऊपर वाला रेस्टोरेंट है। यहाँ पर बहुत अच्छा एम्बियंस है, आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो मैं यहाँ का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो कभी भी अगर आओगे तो यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेना कैसा है। ओके गाइस, हिल्स पे आ गए अभी, एक बार रास्ता देख लो कितना अच्छा है यहाँ पर, ये अलग ही फीलिंग है यहाँ का। तो गाइस ये हिल पर आ गए हम लोग। तो अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत सावधानी से ना गाड़ी चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का रोड बहुत नैरो होता है, उस तरफ से भी गाड़ी आएगा, इस तरफ से भी गाड़ी आएगा। तो जब भी गाड़ी चलाओ पर हिल्स में, तो थोड़ा सावधानी बरत के गाड़ी चलाना। और यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ है, कोई ना किसी को ओवरटेक नहीं करता, तब तक ओवरटेक नहीं करेगा जब तक सामने वाला बंदा किसी को मतलब इंडिकेट नहीं करेगा कि ओवरटेक करो। तो बाहर में जब भी गाड़ी चलाना है, थोड़ा लेन मेंटेन करना, कभी किसी को बिना वजह ओवरटेक मत कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ का नज़ारा देख लो एक बार, क्या चीज़ है भाई, ये लेन्स बाइक लेके आएंगे ना, इतना बढ़िया बढ़िया लीन्स होगा यहाँ पर, मतलब सोच भी नहीं पाओगे आप लोग। ये सामने का नज़ारा देखो, ये देखो, ये तीस्ता रिवर है, ये तीस्ता रिवर जा रहा है मेरे पास से एकदम राइट साइड में तीस्ता, सामने घना जंगल दिख रहा है मेरे को, पहाड़ दिख रहा है।
का सीन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। अभी कैंडल लाइट में हम लोग क्या खा रहे हैं, मोमो। ये देखो मोमो, ये कैंडल लाइट में मोमो खा रहे हैं हम सब मिलके। और ये टॉर्च पकड़ के मेरा भाई बैठा हुआ है। ये देखो आज का सीन, बाहर बहुत बारिश हुआ है आज, मतलब इतना बारिश हुआ है कि सारे कालिंपोंग में कहीं पर भी करंट वैसे ठीक से नहीं है। बाहर देखो पूरा अंधकार, देखो कैसा सीन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब मेरा हिंदी सुन के हंस रहा है, अब क्या ही किया जाए, मेरा हिंदी अगर खराब है तो लेट्स एंजॉय द मोमो नाउ। तो गुड मॉर्निंग गाइज, ये हम लोगों का डे टू है। यहाँ पर आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट चल रहा है। ये देखो ब्रेकफास्ट, ये ऐसे कितना अच्छे से सर्व किया है सबको, वो वहाँ पर था वो यहाँ पर ले आया। तो ये व्यू है हम लोगों का, ये व्यू से हम लोग, ये व्यू लेके हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सोचो, जस्ट सोचो, ये जगह है, देखो ये जगह है, कल यहाँ पर बारबेक्यू हुआ था। ये ऊपर जंगल है, उस तरफ भी जंगल है, सब तरफ जंगल ही जंगल है, सामने पहाड़ है। ये अलग ही व्यू है एक। तो जो भी अपडेट्स है वो मैं दे रहा हूँ, आप लोग देखो, और यहाँ का एड्रेस भी मैं दे दूँगा, कैसे आना है, कहाँ से आना है। तो ये बहुत अच्छा जगह है, तो आप लोग भी आ सकते हो। लेट्स एन्जॉय द ब्रेकफास्ट, ओके। तो आज फर्स्ट लावा करने जा रहे हैं, थोड़ा साइड में ही रहेंगे लावा का, क्योंकि लावा व्यू पॉइंट में बहुत ही, सामने दिखाओ एक बार, बहुत ही ज़्यादा क्लाउड होता है। ये देखो कैसा क्लाउड आ रहा है, क्लाउड के अंदर से गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। और अभी लावा जाएंगे, लावा जाके थोड़ा फोटो शूट करेंगे, रील शूट करेंगे, और उसके बाद जाएंगे ऋषभ। तो ऋषभ का जो रास्ता है वो भी बहुत सुंदर है, वो भी देखना आप लोग कैसा है। तो ऋषभ जाके भी हम लोग जो भी करेंगे सबका व्लॉग बनाएंगे, और व्लॉग बना के अपलोड कर देंगे। ये सीन देख लो कैसा है, ये पूरा एकदम कोई है ही नहीं यहाँ पर, ये हम लोग का थार यहाँ पर है। ये वेदर देखो, ये ऋषभ का व्यू पॉइंट है। तो हम लोग जाएंगे थोड़ा व्यू पॉइंट में क्या है ना है देखने के लिए। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, ये एंट्रेंस था, देखने में तो लगा कि नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, मतलब किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट ये शायद नहीं है, अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है क्या है। ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, अभी देखने की यहाँ है क्या, ये तो है कुछ ही नहीं आई गेस। अरे भाई क्या जगह यहाँ, बहुत ही सुंदर है ये जगह। तो गाइज ये हम लोगों का होटल था, चेकआउट कर रहे हैं। ये होटल था हम लोगों का, ये देखो सारा सामान पैक्ड हो गया, हटो सामने से प्लीज। ये हम लोगों का होटल था, ये रूम डुप्लेक्स वाला रूम। ये ऊपर का स्टेयर्स है, ये ऐसे उठना होता है, ये एटिक है, एकदम मस्त जगह है। ये एटिक है, ऐसा होटल था हम लोगों का। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सिलीगुड़ी जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग कोलकाता के लिए निकलेंगे। तो अभी ट्रिप तो यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है, ये होटल का एक मिनट,
ना नहीं नीचे। ये होटल का बाकी देख लो। इस तरफ डाइनिंग है, ये ओनर्स का घर है, जो ओनर है उसका घर है। ये हम लोग का थार, उनका क्विट सॉरी केवी 100 आई गेस। ये देखो सीन, ये यहाँ का सीन है होटल का। ये और एक कॉटेज। इस होटल का सबसे अच्छा चीज़ है, इस होटल का सबसे देखो सबसे अच्छा चीज़ है, यहाँ पर ना 2 से 3 रूम्स है जहाँ पर सिर्फ तीन फैमिली रह सकेगा। तो इसमें ये है हम लोगों का ब्रेकफास्ट एरिया, ये लॉन है। इसका सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि कोई ना उतना हेडेक नहीं रहता कि ये यहाँ पर लोग हैं वहाँ पर लोग हैं, कैओस नहीं रहता। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत अच्छा जगह है, आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पर। ये देखो सीन, ये इतना अच्छा जगह है ना, अगर 2-3 दिन के लिए आ रहे हो तो ये परफेक्ट जगह है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ से सामने बहुत सारा जगह है जाने का, री शॉप है, रोमेटी है और लाभा एलोले गाँव है, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो। ओके सो अभी के लिए निकलते हैं, तो ट्रिप यहाँ पर एंड कर रहे हैं हम लोग। मैं पूरा अपडेट करूँगा, जितना भी होगा व्लॉग्स, मैं पूरा व्लॉग कंप्लीट करके ट्राई करता हूँ 2-3 दिन के अंदर अपलोड करने के लिए। सो टिल देन बाय।